हर हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदि देव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनाई थी, आज मैं आपको मंगल प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगा। ऐसी मान्यता है कि इसका व्रत करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है और आयु में वृद्धि होती है। महादेव की और महावीर की कृपा आप पर बनी रहती है। अब मैं आपको मंगल प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। मंगल प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी, उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह ना तो घर को लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का भेष धारण कर वहाँ गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु भेषधारी हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी सी जमीन लिप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अनंत हाथ जोड़कर बोली, महाराज लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने तीन बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तुम अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को पुकारा, साधु के सपुर्द कर दिया। मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से मंगलिया को पेट के बाल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। उधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। वृद्धा आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज़ लगाई। पुकार सुनकर मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा को सुप्त आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देखकर वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सुत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। हनुमान जी भी एक रुद्र रूप ही है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर